नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार को कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने चाहिए जिससे आपको आपके आने वाले जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जी हाँ दर्शकों, आज शुक्रवार है और सनातन धर्म हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन और वैभव विलास का दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन यानी माँ लक्ष्मी का दिन होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विधिवत रूप से पूजा करते हैं। आज के दिन शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें, जिससे भविष्य में आगे कभी आर्थिक समस्या उत्पन्न ना हो। वैसे तो हर दिन हम किसी न किसी एक भगवान की पूजा करते हैं और सबके महत्व अलग अलग होते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के इस दिन की मान्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धन की ज़रूरत हर किसी को होती है और इसके बिना गुजारा कर पाना नामुमकिन है। और धन समस्याओं को हटाने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूरी है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करता है या फिर उनका ध्यान करता है, उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। कहते हैं दर्शकों कि धन एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चलता। धन प्राप्ति के लिए लोग नौकरी, व्यवसाय या व्यापार, ये तमाम चीज़ें करते हैं। अनेक लोग धन पाने के लिए बुरे और घृणित काम भी करने लगते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति धन लाभ के लिए अपना अपना तरीका अपनाता है। कहते हैं कि इसके अलावा लोग लाभ मार्ग प्रशस्त करने तथा हानि से बचने के उपाय भी करते हैं। इन सभी स्थितियों की उपलब्धि आप टोने टोटके द्वारा करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे जिनको करके आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो शुक्रवार को आपको क्या करना है? शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने श्री सूक्त का पाठ करें और कमल का फूल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी तथा थोड़ी सी केसर 1 चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आने लगेगा और पुराने कर्जों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर पति पत्नी का तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने बेडरूम में प्रेमी जोड़े की तस्वीर लगाएं। अगर आपने काम में रुकावट आ रही है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। इसका साथ इस दिन घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। कहते हैं कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बताशा अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। कहते हैं कि घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती हैं, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना बेसंभव माना जाता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रात्रि और काम सुख के गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Next9 Spiritual को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Next9 Spiritual से रजत की रिपोर्ट।